भारत के साथ साथ दक्षिणी कोरिया और अमेरिका को ये चेतावनी दी है कि चीन जल्द इन देशों में होने वाले चुनावों के चलते AI हमला कर सकता है। जानकारी के मुताबिक इस चेतावनी का कारण हाल ही में हुए ताइवान के राष्ट्रपति चुनाव में चीन ने आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस से ताइवान के लोगों में गलत सूचना भेजी, जिससे नतीजों में भी बड़े बदलाव देखे गए। पिछले ही महीने प्रधानमंत्री मोदी और माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स ने नई दिल्ली में AI से सामाजिक दिक्कतों, महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य व खेती में इनोवेशन को लेकर चर्चा की थी। पूरे विश्व में अभी यूरोपियन संघ समेत 64 देशों में राष्ट्रीय चुनाव होने हैं, साथ ही देशों में दुनिया की कुल 49% आबादी रहती है। माइक्रोसॉफ्ट की इंटेलिजेंस टीम के मुताबिक चीन ने उत्तर कोरिया के साथ मिलकर ऐसे साइबर ग्रुप बनाए हैं जो 2024 में होने वाले कई चुनावों में दिक्कत करने की कोशिश करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट का ये मानना है कि चीन सोशल मीडिया पर गलत और फर्जी खबरें फैलाकर चुनाव में अड़चन पैदा करेगा। भारत में चुनाव 19 अप्रैल से शुरू होंगे तो वहीं 4 जून को चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे। भारत में 7 चरणों में होंगे चुनाव। पहला चरण 19 अप्रैल, दूसरा 26, तीसरा 7 मई, चौथा 13 मई, पांचवा चरण 20 मई और छठा चरण 25 मई को, तो वहीं सातवां चरण 1 जून को होगा। भारत में 17वां लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को समाप्त होगा। निर्वाचन आयोग ने पहले ही सभी को दिशा निर्देश और प्रोटोकॉल फेक न्यूज़ के चलते जारी कर दिए हैं। पिछले ही महीने पूरे विश्व में आगामी चुनावों के चलते OpenAI और ICI की भी एक चर्चा हुई थी कि कैसे चुनावों में गलत और फेक न्यूज़ से बचा जाए।